कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। अगर देश का प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहे तो जरा सोचिए, सरकारी सिस्टम को मजबूती से आगे ले जाने वाले सरकारी अधिकारी खुद को क्या कहें। उन्हीं प्रधान सेवक ने एक नया नाम दिया है, बिल्कुल जिम्मेदारी के अनुरूप, कर्मयोगी। जी हाँ, अब देश के सरकारी अधिकारी कर्मयोगी कहलाएंगे। सिर्फ कहलाएंगे नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को और मजबूती के साथ ईमानदार बनकर निभाएंगे भी। क्योंकि सुधारवादी मोदी सरकार ने सिविल सर्वेंट के लिए भी सुधार की बड़ी पहल की है। ये मिशन होगा मिशन कर्मयोगी। इसे नेशनल प्रोग्राम ऑफ सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत चलाया जाएगा। इस मिशन के तहत अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएंगी। इस बात पर जोर दिया जाएगा, काम किया जाएगा, मेहनत की जाएगी कि सरकारी अधिकारियों के काम को किस तरह और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। मिशन कर्मयोगी का मुख्य लक्ष्य होगा अधिकारियों के स्किल और उनकी क्षमता को बढ़ाना, यानी कैसे भर्ती के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो। मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी कहीं भी बैठकर ट्रेनिंग ले पाएंगे। जब दुनिया डिजिटल हो रही है तो ये बदलाव क्यों ना हो। प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक HR काउंसिल बनाया जाएगा जो इस पूरे मिशन के तहत नियुक्ति पर फैसला करेगा। साथ ही एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनेगा। PM मोदी का विजन है एक कर्मयोगी अधिकारी कल्पनाशील हो, नवाचारी हो, सक्रिय एवं सरल हो, पेशेवर और प्रगतिशील हो, ऊर्जावान और समर्थकारी हो, पारदर्शी और आधुनिक तकनीक में माहिर हो, रचनात्मक और सृजनात्मक भी हो। इस नए मिशन के तहत देश में ऐसे ही सिविल अधिकारी तैयार किए जाएंगे। अधिकारियों को भी मजबूत और सक्षम बनाया जाएगा और उनके अधिकारों का भी ख्याल रखा जाएगा। जोर व्यक्तिगत निर्माण पर ही नहीं बल्कि संस्थागत सुधारों पर भी होगा। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत 2017 के उस वाक्य से हुई जब PM मोदी मसूरी के सिविल सर्विस अधिकारियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गए हुए थे। उस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से मिलने की PM मोदी की सबसे बड़ी दिलचस्पी यही थी कि सरकारी अधिकारियों के लिए देश में किस तरह के सुधारवादी बदलाव की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से इसी पर लंबी चर्चा की और वहीं से संकल्प लिया मिशन कर्मयोगी का।